हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होने के बाद इसरो ने एक और रॉकेट 2 सितंबर को स्पेस में भेजा था, जिसका नाम है आदित्य L1। लेकिन स्पेसक्राफ्ट मून पर नहीं, सन की तरफ जा रहा है। तो आइए जानते हैं इस आदित्य L1 मिशन के बारे में। ये आदित्य L1 इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट है जो सन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। लेकिन ये आदित्य L1 मून की तरह लैंड नहीं करेगा, बल्कि दूर से ही सन के बारे में जांचेगा। ये एयरक्राफ्ट अर्थ के काफ़ी करीब होगा अपने मिशन के दौरान। अगर नॉर्मली बात करी जाए तो ये एयरक्राफ्ट अर्थ से 15 लाख किलोमीटर दूर रहेगा। लग्रांज पॉइंट L1 के हैलो ऑर्बिट में घूमेगा। उस पॉइंट तक पहुंचने में इसे 4 महीने का टाइम लगेगा। और ये एयरक्राफ्ट वहां तक चला गया तो वो 5 साल तक वहीं रहकर सन को ऑब्जर्व करेगा। इसीलिए ये एक स्पेस क्राफ्ट नहीं, ये एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी भी है। अब सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये लग्रांज पॉइंट क्या है। लग्रांज पॉइंट की हम बात करें तो लग्रांज पॉइंट वो यूनिक पॉइंट्स है स्पेस में जहां दो टेरेस्ट्रियल बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स के बैलेंस आउट करता है। सन और मून को यहां पर हम कंसीडर करें तो यहां पर 5 लग्रांज पॉइंट्स बनते हैं, जिसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये 5 लग्रांज पॉइंट्स कहाँ पर लाए करते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम एयरक्राफ्ट भेजेंगे तो स्पेसक्राफ्ट के ऑर्बिटेशनल मोशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अर्थ और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स से कैंसिल आउट कर जाएंगे। इससे फ़ायदा ये हुआ कि इससे हमें स्टेबल मिलती है। जो भी स्पेसक्राफ्ट हम लग्रांज पॉइंट पर भेजेंगे, हमें कोई अटेम्प्ट नहीं करना पड़ेगा स्पेसक्राफ्ट को उस पॉइंट पर बनाए रखने के लिए। स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल सेफ होगा, अर्थ और सन के अराउंड गोल गोल घूमता रहेगा। इससे और भी ज़्यादा लंबे मिशन किए जा सकते हैं। दूसरा फ़ायदा है कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन। अगर L1 का यहाँ पर हम एग्जाम्पल लें, जो भी चीज़ हम वहाँ पर भेजेंगे वो कंटिन्यू एक पोजीशन पर रहेगी, जैसे जहाँ से अर्थ और सन को देखा जा सकता है, और कभी ये एक दूसरे की शैडो में छुपेंगे नहीं। आप खुद ही सोचिए, हम किसी एयरक्राफ्ट को भेजते हैं, जैसे कि चंद्रयान 3 को मून पर भेजा गया था, या फिर अर्थ के ऑर्बिट पर भेजते हैं, चांद के अराउंड गोल गोल घूमने से अर्थ बीच बीच में छुप जाता है, ऐसे ही अर्थ के गोल गोल घूमने से भी छुप जाएगा। इसीलिए आदित्य L1 को L1 की जगह पर प्लेस कर दिया जाएगा, यहीं से इसका नाम आया है आदित्य L1। इससे पहले भी कई दूसरे स्पेस कंट्रीज ने सोलर ऑब्जर्वेशन भेजे हैं, उन्हें L1 पर प्लेस किया गया है, जैसे कि सोलर एंड हेलोस्फीयर ऑब्जर्वेटरी, शॉर्ट में SOHO। ये पॉइंट्स मशीन्स थे नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के। L1 एंड L2 सबसे लग्रांज पॉइंट है क्योंकि अर्थ के काफ़ी करीब है, जो फेमस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। इसे L2 पॉइंट पर प्लेस किया गया है। L2 पर अर्थ सन को छुपाए रखेगा अपने पीछे, और क्योंकि इस टेलीस्कोप को लाइट ईयर्स दूर देखना है यूनिवर्स की गहराइयों में, सनलाइट को छुपाना ज़रूरी था कि कोई इंटरफ्रेंस ना आ सके, इसीलिए L2 पॉइंट यहाँ चुना गया। लेकिन आदित्य L1 क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, ये जानने के लिए हमें सन के बारे में कुछ जानना पड़ेगा। हमारे सोलर सिस्टम का सन अर्थ के डायमीटर से 109 गुना बड़ा है। वेट में 3,33,000 गुना बड़ा है अर्थ के कंपैरिजन में। अगर आपको जानना है कि सन अर्थ से कितना बड़ा है, तो देखिए, पूरे सन के अंदर 1.3 मिलियन अर्थ आ सकते हैं। जैसे अर्थ के अंदर अलग अलग रेस होती हैं, इनर कोर, आउटर कोर, मैनली क्रस्ट, ऐसे ही सन के अंदर भी अलग अलग रेस होती हैं। सन का सबसे अंदर कोर मौजूद है। इस कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शंस होते हैं, जहां हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इससे एनर्जी से सनलाइट पैदा होती है और हमें अर्थ में महसूस होती है। इस कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन सेल्सियस तक जा सकता है। इसके बाहर है रेडिएटिव जोन। 70% सन का रेडिएटिव जोन से बनता है। उसके बाद आता है कॉन्वेक्टिव जोन। लगभग 30% सन का रेडियस यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर कन्वर्शन के थ्रू होता है, और इसीलिए इसको ये नाम दिया गया है। इसके बाद सन का सरफेस, और इसे हमने ये नाम दिया है फोटोस्फीयर। सिर्फ ये एक नाम का सरफेस है, क्योंकि रियल लाइफ में सन का कोई सरफेस ही नहीं है अर्थ की तरह, क्योंकि सन में सिर्फ गर्म गैसेस और प्लाज्मा मौजूद है। तो इसे सन की लोअर की एटमॉस्फेयर भी कहा जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ठंडा हो जाता है, लगभग 5,500 डिग्री सेल्सियस तक। इसके ऊपर आती है क्लोरोमोस्फीयर की लेयर, जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने लगता है 6,000 से लेकर 20,000 डिग्री सेल्सियस तक। फिर एक पतली सी लेयर आती है ट्रांजिशन रीजन नाम से, और इसके बाद सन की सबसे आखिर लेयर आती है, जिसे कोरोना कहा जाता है। कोरोना की लेयर में बहुत ही हीट प्लाज्मा होती है,
लगभग 1-3 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्योंकि सन का कोर इतना गर्म है लेकिन उसका सरफेस ठंडा हो जाता है और फिर कोरोना की लेयर फिर से गर्म हो जाती है। ये क्वेश्चन अभी तक एक रहस्य है। साइंटिस्ट के लिए हो सकता है आदित्य मिशन ये इस रहस्य का पता लगा सके। आदित्य L1 का मिशन है फोटोस्पियर लोअर अपर कोरोना। अब जानते हैं सन से क्या क्या बाहर निकलता है। सन और लाइट ये तो हम सभी जानते हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है, विजिबल लाइट्स, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेस जिसकी वजह से हमें स्किन कैंसर हो सकता है, इंफ्रारेड रेडिएशन, रेडियो वेव्स, एक्सरा रेस, गामा रेस। ये एक्सरा रेस और गामा रेस काफी हार्मफुल रेडिएशन है लेकिन हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर हमें इससे बचा लेती है। और इस सब के अलावा सन एक और चीज निकालती है, वो है सोलर विंड। ये सोलर विंड जब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में इंटरफेयर करता है तो हमें नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिलते हैं। ये लाइट्स हमें स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड में देखने को मिलता है। इसके अलावा सन निकालता है कोरोनल मास इंजेक्शंस। फिर कभी कभी सन निकालता है बड़े बड़े सोलर फ्लेयर्स जिससे पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। इसके ऊपर कई मूवीज बनी हैं, जैसे कि 2012 सन के सोलर फ्लेयर्स गिर रहे हैं दुनिया में जिससे पूरी दुनिया खत्म हो रही है। अब इन्हीं सब चीजों को जानने के लिए आदित्य L1 को वहां पर भेजा गया और आदित्य L1 पर 7 इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं। नंबर 1, विजिबल इमिशंस लाइन कोरोनाग्राफ। ये कोरोना लेयर को स्टडी करेगा, कोरोना मास इंजेक्शंस को ऑब्जर्व करेगा। नंबर 2, SUIT सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये सन की पोटोस्पियर और क्लोरोमोस्पियर की इमेजिंग लेगा अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में। नंबर 3, SOLEXS सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। नंबर 4, HELIOS हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटरिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये दोनों सन रिलीज हुई एक्सरेज को स्टडी करेंगे, खासकर सोलर फ्लेयर्स में जो एक्सरेज निकलती है। ASPEX आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। नंबर 6, PAPA प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये दोनों सोलर विंड को स्टडी करेंगे। नंबर 7, MAG मैग्नेटोमीटर। इसका काम है मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में मेजर करना, वो मैग्नेटिक फील्ड्स जो इस L1 पॉइंट पर आ रहा है। ये 7 में से 4 पेलोड्स डायरेक्टली सन को स्टडी करेंगे, बाकी 3 पेलोड्स L1 पॉइंट के पास मेजर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टा और शॉर्ट चैनल का लिंक जाकर फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।